अयोध्या से बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय टोली की बैठक खत्म। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने भाग लिया है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हो रही थी विश्व हिंदू परिषद की बैठक। विश्व हिंदू परिषद की क्षेत्रीय और केंद्रीय मंत्री बैठक में शामिल हुए थे। केंद्रीय पदाधिकारियों ने भगवान रामलला का दर्शन किया है और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पूरे देश के वातावरण को राममय बनाने को लेकर प्लानिंग भी की गई है। देश के 5 लाख गांव तक शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे देश पूरे विश्व की नजर रहेगी और इसीलिए ये उत्सव बेहद भव्य और शानदार तरीके से मनाने को लेकर तमाम तैयारियां की जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा के पहले बजरंग दल शौर्य यात्रा निकालेगा और 1 लाख गांव में ये शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। दिवाली के बाद में ऐसे ही संतों की यात्रा भी देश भर में जाएगी। विशेष तौर पर दूरस्थ ग्रामों में, पर्वत के और बाकी क्षेत्रों के और शहरों के स्लम्स में ऐसे कुछ हजार स्थानों पे संत यात्रा करेंगे, घर घर जाएंगे, किसी के घर में ठहर करके उनका प्रसाद लेंगे और धर्म सभा करेंगे। यह 3 निर्णय हमारी इस बैठक में हो गए। और चलिए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज बैठक बुलाई गई थी। बैठक में क्या कुछ प्लानिंग रही, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पिछले कई महीनों से पूरा प्रोग्राम बनाया जा रहा है और जहां तक बीएचसी का सवाल है, चूंकि बीएचसी इस पूरे आंदोलन से जुड़ी रही है, हालांकि बीएचसी के जो तमाम पदाधिकारी थे आज के पदाधिकारियों पर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो घर जाकर, गांव जाकर एक माहौल बनाए। और क्योंकि देखिए ये तो बड़ा कार्यक्रम होगा कि प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे 22 जनवरी को, जो समय है तिथि वो कर दी गई है और उस दिन जो बीएसपी के जो कार्यकर्ता होंगे, इस तमाम पदाधिकारी होंगे, पूरे गांव में जाकर टारगेट किए कम से कम 2 लाख गांव में ये पूरा कार्यक्रम रखा जाए, न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे भारत में और भारत के अलावा जहां जहां भी भारतवंशी रह रहे हैं वहां पर भी इस कार्यक्रम को मनाया जाए। तो ये बड़ा कार्यक्रम होगा। बिहार से बैठक की निपुण मिश्रा भी अयोध्या में बीएसपी की जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं और संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं मौजूद हैं और कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बेहद भव्य और शानदार और ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम प्लानिंग की गई है। 1 लाख गांव में शौर्य यात्रा भी बजरंग दल की तरफ से